सो गाइस योर बॉय निखिल चंद हेयर 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 सो फाइनली आज आई डेट 5 मार्च। तो जैसे कि आप सबको पता है हम गोवा में आए, मेरे गोवा में तीसरा दिन है। गोवा में हमें इस टाइम है कोलंगट, कल हम थे बागा में, ठीक है। तो बागा से हमने चेकआउट कर दिया आज सुबह, तो सब जस्ट अभी आए हैं। और कोलंगट में होटल का नेम है DE ग्रैंड रिवेरिया, मेरा रूम नंबर है 305। चलो आपको रूम का थोड़ा रिव्यू देते हैं, ठीक। जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं, ठीक है, तो पहले ऐसे ही हमने एंटर किया तो यहाँ पे अपनी की लगी रहेगी, ठीक है। तो अगर आप की निकालोगे तो पूरा लाइट चल जाएगा, ठीक। उसके बाद ये वॉशरूम, ठीक है, बहुत अच्छा है, क्वालिटी मतलब A1 है। जो लाइट्स यूट्यूबर चाहते हैं वो लाइट्स हमको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं, यहाँ पे लगेज रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर कोई भी सामान है आपका आपको रखने का तो आप इधर रख सकते हो, ठीक। तो उसके बाद जैसे इधर आते हैं, एक बड़ा सा मिरर, बहुत अच्छा मिरर, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा एक लगेज पड़ा हुआ है और यहाँ पे फ़ोन लगा हुआ है कि अगर आपको कहीं कुछ भी ऑर्डर करके मंगवाना है तो इधर से मंगवा सकते हो, सामान रखने के लिए इधर, ठीक। ये मेरा बेड ठीक है, अच्छा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे रिमोट्स पड़े TV के, ये फ़ैन चालू है और ये LED लगी हुई है। और यहाँ पे टेबल पे आप कुछ भी कर सकते हो, अगर खाना है तो भी खा सकते हो, अगर कुछ काम करना है तो यहाँ पे टेबल पे रख के काम कर सकते हो। वहाँ पे सोफ़ा, अगर कोई गेस्ट आया है तो यहाँ पे आके बैठ सकता है। उसके बाद यहाँ पे बालकनी है, देखो यहाँ पे आगे पर्दे हो जाएंगे, ठीक है। तो बालकनी से जैसे निकलेंगे बाहर, और यहाँ का बार का मेन व्यू भाई बहुत सही है भाई, ये देखो नीचे ये बना हुआ है स्विमिंग के लिए। अभी जाएंगे हम थोड़ा टाइम के लिए, नहाएंगे नीचे। लोकेशन बहुत हार्ड है भाई, ऊपर से देखो पार्किंग भी बहुत अच्छी है इस होटल की, ठीक है। सो कुल मिला के मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो इसका प्राइस है एक दिन का 4000 पर डे, ठीक है। तो इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट भी रहेगा 3800, मालूम क्या इतना ही रहेगा 3800, टैक्स वैक्स डाल के इतना हो जाता है। अगर आप इन सीज़न में आओगे तो आपको 3000 या 4000 के बीच में मिल जाएगा, अगर आप ऑफ सीज़न आओगे तो 2500 में, तो 3000 के बीच में मिल जाएगा। अभी हम फ्रेश होते हैं तो आपको सीधा मिलते हैं वापस, और आपको आज कोलंगट में घुमाते हैं, कोलंगट का बीच एंड ऑल। और हाँ, कल की अगर आपने वीडियो देखी होगी उसमें मेरा कैमरा और GoPro दोनों लो हो गए थे, तो वीडियो बीच में रह गई थी। तो छोड़ो, अभी 2-3 दिन अपने लेफ्ट हैं यहाँ पे, तो 3 दिन में पूरा आपको घुमाएंगे, बहुत सही वाला। कैसे लगा होटल? बहुत अच्छा ना, फेवरेट होटल। मैं अंकल को बोला था कि जब हम बुक कर रहे थे मेक माई ट्रिप से, ठीक है, कोई प्रमोशन नहीं है मेक माई ट्रिप की, तो जब हम बुक कर रहे थे तो तब मैं बोला कि ग्रैंड रिवेरिया बहुत अच्छा है, मालूम ना, बहुत अच्छा है। तो अभी सीधा फ्रेश होते हैं एंड मिलते हैं आपको। फाइनली हम रेडी हो चुके हैं, मालूम क्या रेडी हो चुके हैं स्विमिंग के लिए, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट तुम्हारा उधर वाले होटल में हो गया था, क्योंकि इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट था, इसका ब्रेकफास्ट हमको कल मिलेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या नहीं करना क्या नहीं, अभी आधा घंटा हम स्विमिंग करेंगे नीचे, ठीक है। उसके बाद अगर मन किया तो हम पणजी में जाएंगे, और पणजी में आपको बहुत हार्ड चीज़ दिखाऊंगा मैं, ठीक है। और यहाँ का कोलंगट बीच है, तो कोलंगट बीच पे जाएंगे अंकल, क्या नहीं चलेंगे ना, 2-3 बजे हम कोलंगट बीच के लिए निकलेंगे। अभी तो टाइम हुआ है कुछ 11-12 बजे होंगे, 12 बजे होंगे, तो 3 बजे हम कोलंगट बीच के लिए निकलेंगे यहाँ से। तो 3 बजे से मतलब 4-5 बजे तक कोलंगट बीच, कोलंगट बीच के बाद हम जाएंगे पणजी। पणजी में आपको एक चीज़ दिखाएंगे, मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ है, ठीक है। तो अभी थोड़ा अंकल तैयार हो रहे हैं, तो सीधा आपको मिलते हैं। फाइनली हम वापस आ चुके हैं। आई डोंट नो कि मैं कितने बजे व्लॉग ख़त्म किया था, तो अभी शाम के कितने बज चुके हैं, अभी शाम के 7 बजने वाले हैं ना, 7:15 हो चुके हैं। तो पता क्या सीन हुआ था, हम रात को बिल्कुल भी नहीं सोए थे, तो सॉरी फॉर डैट कि मैं आपको वीडियो शूट करके नहीं दे पाया। तो हमारा पास अभी कल का दिन है और परसों का दिन है और उससे अगले वाला दिन है, उसके अगले दिन रात को हमारी फ्लाइट है, ठीक है। तो आई होप माई बेस्ट कि कल का पूरा दिन आपको मैं, नॉर्थ गोवा तो मैंने आपको पूरा कवर कर दिया है, कल का पूरा दिन हम साउथ कवर करेंगे, साउथ में सब कुछ सीन रहेगा, ठीक है, सब कुछ घूमेंगे। तो अभी हमारे होटल के मैं बाहर देखो 305 रूम नंबर, और बैकग्राउंड की लोकेशन बहुत हार्ड है, लाइट्स लगी हुई हैं, मतलब इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट भी रहेगा इनका साथ में, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, बहुत मतलब इतनी नेक्स्ट लेवल लोकेशन दिख रही है ना यहाँ से, मालूम क्या, ये देखो मतलब यहाँ से इतनी अच्छी, मतलब कि अगर बंदा अपनी आँखों से देख सकता है, कैमरे के लेंस में इतना खास मालूम नहीं पड़ता, ठीक है, अगर बंदा अपनी आँखों से देखता है तो मतलब बहुत अच्छी लोकेशन है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ जो सिंपल होटल्स में रहती, जो हमारा कल होटल्स था बागा में, ठीक है, उसमें ये लाइट्स नहीं रहती। अभी देखो मैं बाहर खड़ा हूँ तो लाइट है, मतलब क्वालिटी नेक्स्ट लेवल मिल रही है, ठीक है। तो अभी हम नीचे चलते हैं, और सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी है कि इस होटल में लिफ्ट भी है, अगर लगेज लाने में आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा बिल्कुल भी खाली, ठीक है। तो अभी हमने सुबह से कुछ भी नहीं कहा, कुछ सो गया था, आपको देख रहे होगा आके मेरे, ठीक है। तो मैं सो गया था, तो अभी हम
चलते हैं नीचे और आपको दिखाते हैं। और लिफ्ट से हमको रहना है जाना है ग्राउंड फ्लोर पे 0 पे 0, ठीक है। तो उसके बाद ये बाहर का लोकेशन चेक करवा, फिर देखो एक उधर वाली साइड भी होटल है और इनका भी होटल, इनका मिक्स का वो नीचे वो बना हुआ है आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी सीधा चलते हैं नीचे। तो जैसे ही हम होटल में एंटर करते हैं, ये देखो होटल का रिव्यू, मतलब बिल्कुल सही कंडीशन में है, ठीक है। तो ये इनकी रिसेप्शन है, कैसे भाई? तो ये इनकी रिसेप्शन है, ठीक है। तो उधर ये बियर बार वाला सीन है, ठीक है। अगर आपको बियर वियर लेनी है तो आप यहाँ से लेके, ये देखो यहाँ पे बियर बार बना हुआ है, बियर बार बियर लेके तो आप यहाँ पे बैठ के अभी पी सकते हो। ये देखो हम तो पीते नहीं, तो आप पीना होगा तो यहाँ पे बैठो, बियर वियर पियो सब कुछ, ठीक है। तो इधर बियर लेके आप वहाँ पे नहा भी सकते हो स्विमिंग पूल में, मतलब बहुत सही सीन है। तो इनकी पार्किंग के लिए देखो पार्किंग बहुत बढ़िया है इनकी, देखा गाड़ी वाड़ी खड़ी है, उधर डांस कर रहे हैं, मतलब लाइट्स वगैरह सब लगी हुई है, रात को भी लोग लगे हैं, सुबह तो बहुत लोग थे भाई, मैं भी यहाँ पे पूरा चिल कर रहा था। फाइनली इस टाइम मैं इसकी लॉबी में बैठा हूँ होटल की, ठीक है। तो देखो बैकग्राउंड में यहाँ पे बेंच लगे हुए हैं, ठीक है। अगर कोई स्विमिंग कर रहा है तो आप क्लोज बैठ के देखना है स्विमिंग, आप स्विमिंग देख सकते हो। देखो पूरा मतलब स्विमिंग चल रहा है अच्छा बहुत, ठीक है। तो हमने सुबह बहुत स्विमिंग की, आज पूरा दिन हम इसी यहाँ पर रहे होटल में, कहीं बाहर नहीं गए, उधर से चेकआउट किया, इधर चेक इन कर लिया खाली, तो इधर घूमते रहे, तो थोड़ा स्विमिंग किया तो सो गए बस, उसके बाद कुछ भी नहीं किया। तो अभी सोच रहे हैं कुछ खाने का, उसके बाद बाहर घूमते हैं, बहुत चील है भाई। फाइनली हमने ऑर्डर कर दिया है एक बटर चिकन एंड चपाती एंड दो चॉकलेट शेक एंड कोक। टाइम लगता है 10-15 मिनट। तो यहाँ पे देखो लोग नहा रहे हैं, ठीक है, और पीछे म्यूज़िक चालू है एंड लाइटिंग बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा वाइब्स अच्छी आ रही है, ठीक है। तो आज का दिन हमारा हमारा होटल में इसलिए, क्योंकि होटल बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड स्विमिंग भी है, अच्छा खाना भी है, अच्छा रूम है एंड तो सब कुछ अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। एंड कल से हमारा रेगुलर अपडेट स्टार्ट रहेगा, ठीक है। तो अभी सीधा वेट करते हैं खाने का, इतनी देर तक आप थोड़ा साइनामेटिक देखो। हमने एक बटर चिकन ऑर्डर किया था, ठीक है, तो बहुत टेस्टी लगा ना अंकल, बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, प्राइस भी बहुत अच्छा है, ठीक है, रीजनेबल प्राइस है, बहुत अच्छी क्वालिटी में, ठीक है। तो लोग अभी भी नहाना बंद नहीं किए, ठीक है, अभी भी नहाना बंद नहीं किए, तो अभी हम खाते हैं, तो खा के सीधा आपको मिलते हैं रूम में। वापस आ चुका हूँ, ठीक है। तो अभी रात के 2 बज चुके हैं, ठीक है। तो अभी कलंगड़ बीच से चिल विल किया और थोड़ा बहुत खाया पिया उधर, तो उधर बैठे हुए थे बीच पे ही खाली, तो उधर बैठ के अभी हम वापस होटल में आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी आके सूजी बढ़िया है पूरी, ठीक है, मुझे सोना है, ठीक है। तो अभी मैं जाना हूँ सोने। अगर जिसको जी लगे लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, पीस आउट। और कल की जो वीडियो रहेगी आप बोलोगे बॉम्ब, इसको बोलते हैं साइव व्लॉग होता ना, वो चीज़ रहेगी।